हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैकिंग सीजन शुरू हो चुका है और कई लोगों ने एवरेस्ट बेस कैंप पे ऑलरेडी जाना भी शुरू कर दिया है, जिन्होंने प्लान किया था। और जो अभी प्लान कर रहे हैं, आप भी एवरेस्ट बेस कैंप जा सकते हैं। पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं पहले भी दे चुका था और अब मैं फिर से देने जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन में मैं बिल्कुल आपके साथ एक रीसेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जो कि डायरेक्टली खुम्बू जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो कि सागरमाथा नेशनल पार्क और आपका ये पूरे के पूरे एवरेस्ट बेस कैंप रीजन के इलाके को आपका पूरा का पूरा जो टेक केयर करती है, उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक और नया नोटिफिकेशन आया है। तो मैं आपके साथ वो नोटिफिकेशन शेयर करना चाहता हूँ और आज बिना किसी एक्स्ट्रा टॉक के डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं उनका नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये है खुम्बू पसांगलामू गांव पालिका, खुम्बू पसांगलामू रूरल म्यूनिसिपैलिटी, जो कि है नेपाल में, ऑफिस ऑफ द रूरल म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव चौरीखार का, सोलू खुम्बू, कोशी प्रोविंस, नेपाल। तो ये जितना भी आपका सोलू खुम्बू रीजन, ये वही रीजन है जिसपे एवरेस्ट बेस कैंप है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये प्रेस रिलीज है, ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टैम्प है नेपाल के उस रीजन की जहाँ पे एवरेस्ट बेस कैंप लाई करता है, और टू ऑल विजिटर्स ट्रैवलिंग टू एवरेस्ट रीजन नेपाल। तो जो भी ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि एवरेस्ट सागरमाथा रीजन में जाने वाले हैं नेपाल में, ये नोटिफिकेशन उन्हीं को कंसर्न करता है। तो ध्यान से सुनिए इस नोटिफिकेशन को। द ट्रैक कार्ड सिस्टम इज करंटली बीइंग इंप्लीमेंटेड ओनली बाय द खुम्बू पसांगलामू रूरल म्युनिसिपैलिटी फॉर फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैकर्स। नाउ वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द खुम्बू पसांगलामू रूरल म्युनिसिपैलिटी एंड द सागरमाथा नेशनल पार्क विल बी वर्किंग टुगेदर टू इंप्लीमेंट द अपडेटेड वर्जन ऑफ द डिजिटल एंट्री पास फॉर द एवरेस्ट रीजन कॉल्ड द ट्रैक कार्ड स्टार्टिंग ऑन April 14, 2023। मैं आपको पूरी तरीके से इसको समझाता हूँ। ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो सिस्टम चला आ रहा था ट्रैक कार्ड का पूरे नेपाल में, उसको बिल्कुल कहीं भी आपको देखने नहीं मिलेगा सिवाय यही एवरेस्ट बेस कैंप के रीजन में। तो बाकी जगह टिम्स चलता है, यहाँ पे ट्रैक कार्ड चलता है। और ये अभी एक डिजिटल पूरा का पूरा आउटलुक देने वाले हैं इस ट्रैक कार्ड सिस्टम को, तो उसी के लिए ये नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे आप देखिए, द ट्रैक कार्ड कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड एट द लुकला काउंटर, आप लुकला में इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हाइल ट्रैवलिंग बाय लैंड कैन डू सो इन जोरसाले, तो जोरसाले जो है ये वो जगह है जहां से नामचे की चढ़ाई चढ़ती है, और जोरसाले आप यही समझिए कि मोंजो के आसपास ही है, तो वहां से आप अपना ट्रैकर्स कार्ड जो है वो खरीद सकते हैं। नेशनल लोकल गवर्नमेंट कंबाइंड एंट्री फीस 5,000 फॉर इंटरनेशनल विजिटर्स एंड 3,500 फॉर सिटीजन्स ऑफ सार कंट्रीज। तो सार कंट्रीज के लिए वही फीस है जो अभी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। विजिटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कॉपीज ऑफ देयर पासपोर्ट, आईटिनरीज एंड कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू गेट द ट्रैक कार्ड। जो विजिटर्स है उनको अपनी पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा, आपको आईटिनरी अपनी दिखानी पड़ेगी। मतलब अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मुझसे आईटिनरी पूछी नहीं गई थी, पर आपसे पासपोर्ट देखिए आपको बताना पड़ेगा और आपको पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कॉपीज ऑफ देयर पासपोर्ट, पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने वहां पे अपना पासपोर्ट दिखाया था, मेरे दोस्त ने अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया था, पर इसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कॉपीज ऑफ देयर पासपोर्ट, आईटिनरीज। आईटिनरी का मतलब है आपको बताना पड़ेगा कि आप वहां पे कैसे टाइम स्पेंड करने वाले हो पार्क में, ये भी आपको समझाना पड़ेगा उनको। एंड कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू गेट द ट्रैक कार्ड, है ना, तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी देनी पड़ेगी ट्रैक कार्ड के लिए। द कार्ड विल बी चेक्ड ओनली एट अ फ्यू चेक पॉइंट्स, एंश्योरिंग कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ यूज व्हाइल आल्सो एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द ट्रैकर्स इन द रीजन। तो कुछ जगह पे ये कार्ड चेक किया जाएगा, पर ऐसा नहीं कि आपको बार बार ट्रेवल कर रहे हैं। विजिटर्स अपनी डिटेल्स जो है वो एडवांस में सबमिट कर सकते हैं www.trackcard.app/registration। तो इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, पर पहले नोटिफिकेशन आपको दे देते हैं। नीचे काम की बात पे आते हैं। फ्री इंडिपेंडेंट टूरिस्ट आर ऑलवेज वेलकम टू द एवरेस्ट रीजन। विजिटर्स नीड टू ऑब्टेन अ ट्रैक कार्ड विच विल इंश्योर देयर सेफ्टी अंडर द ट्रैक कार्ड सिस्टम। विजिटर्स को ट्रैक कार्ड लेना ही लेना है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हायर अ गाइड व्हाइल ट्रैकिंग इन द एवरेस्ट रीजन, फिर से बताया गया है। तो ट्रैक जो भी आपके जो आपको बोल रहे हैं कि जरूरत है, नहीं जरूरत है, खुद का नोटिफिकेशन है वहां की गवर्नमेंट का, दो भी स्ट्रांगली सजेस्ट डूइंग सो, पर्टिकुलरली व्हेन यू प्लान टू एक्सप्लोर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज एंड माउंटेन पासेस। तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 2 अप्रैल 2023 का। तो दोस्तों, वहां की गवर्नमेंट ये बोलते बोलते आपको
काफी बार बोल चुकी है, नेपाल टूरिज्म का जो डिसीजन था वो साफ साफ बोल चुके हैं वहां की लोकल गवर्नमेंट की लागू नहीं होता हमारे एवरेस्ट बेस कैंप रीजन में, गाइड मैंडेटरी नहीं है। फिर से एक नोटिफिकेशन निकाला, एक प्रेस रिलीज निकाला है पूरे के पूरे ट्रैवलर्स के लिए, और वो बोल रहे हैं कि अब वो ट्रैक कार्ड के पूरे प्रोसेस को डिजिटल करने वाले हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो आप डायरेक्टली वही आप सागरमाथा नेशनल पार्क में टॉक टॉक में मोन्जो में जाते हैं और आपको ट्रैक कार्ड डायरेक्टली मिल जाता, पर अब ये पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने अपडेट कर दिया, अब ये पूरा ऑनलाइन हो चुका है। तो आइए सबसे पहले बिना किसी देरी किए चलते हैं वेबसाइट की तरफ और जानते हैं कि कैसे आप इस ऑनलाइन सिस्टम में खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऑनलाइन ये ट्रैक कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपकी वेबसाइट का नाम है trackcard.app/registration। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ पहाड़ी घूम के, तो है ना, और लास्ट नाम आप अपना लिखने दे रहे हैं, जैसे कि पहाड़ी आप फर्स्ट नेम में लिखेंगे और लास्ट नेम में लिखेंगे घूम के। तो नेशनैलिटी आपको चूज कर लेनी है इंडिया, पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, ठीक है। तो पासपोर्ट नंबर आप अपना डालिए, आप डेट ऑफ बर्थ अपनी डालिए, अपना जेंडर डालिए, और यहाँ पे बेसिक आप एक अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। और अब आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है अराइवल डेट और डिपार्चर डेट, तो देखिए कि अराइवल डेट और डिपार्चर डेट आप खुद से चूज कर सकते हैं कि आप कब आना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं। और मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल लग रही है ताकि उनको पता लग सके कि कौन कब आने वाला है, कौन कब जाने वाला है। तो देखिए ड्यूरेशन वहां पे लिखा आ चुका है कि 8 days, पर्पस आप ट्रैकिंग के लिए आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि एक जो है लिखा हुआ डिफाइन रूट और एक जगह लिखा है अदर्स। अगर आप डिफाइन रूट पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा लुकला टोक टोक नामचे, है ना, मतलब जहां से आपको ट्रैक कार्ड का आपका वेरिफिकेशन होगा। तो आप चाहें तो लुकला से आ सकते हैं या फिर आप खरीकोला से भी आ सकते हैं। तो अदर में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि खरीकोला से मैं नामचे जाने वाला हूँ। तो बेसिकली आप अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए, इमरजेंसी कंटैक्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा और ये दोनों नेपाल के नंबर रहेंगे। आपको यहाँ पे अपनी गाइड इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी अगर आप हायर करते हैं तो, अगर आप हायर करते हैं तो, और अगर आप हायर नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। देखिए आपको अपने पासपोर्ट की भी यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने आपको अपनी फोटो भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है आपका डिजिटल पास के लिए, तो आप अगर चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो नेपाल की ये लोकल गवर्नमेंट है खुम्बु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, किस तरह से वो ट्राई कर रही है आपके इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल बनाया जा सके ताकि आप घर बैठे, है ना, अगर आप प्लान कर रहे हैं एवरेस्ट बेस कैंप का अपना, तो घर बैठे आप रजिस्टर कर सकें एवरेस्ट बेस कैंप के लिए। तो काफी मुझे लगता है कि ये अगर सिस्टम डेवलप होता है तो ये बोल रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से वो सिस्टम स्टार्ट करने वाले 14 अप्रैल से। तो अगर ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रेंथन अप हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कितने दिन आप वहां पे रहने वाले हो, कितने दिन क्या होने वाला है, और पूरा का पूरा सिस्टम आप ये घर पे बैठ के अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी रजिस्ट्रेशन के बाद एक चीज देखना बाकी है, क्योंकि ये सिस्टम 14 तारीख को स्टार्ट होगा, 14 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो ये देखना बाकी है कि क्या वो फीस भी जो आपकी सागरमाथा और ये आपके रीजन की फीस है, क्या वो भी आप ऑनलाइन लेंगे या फिर सिर्फ यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा और आगे आपको फीस वहां पे जाके देनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें विद टाइम क्लियर होंगी, अभी इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देना चाहूंगा दोस्तों, ट्रैकिंग एजेंसी से बेवकूफ बना बंद कर दीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है उनकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कि आपको जरूरत नहीं है किसी गाइड की। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, है ना, आप उनकी गवर्नमेंट को फॉलो कीजिए ना, उनकी लोकल गवर्नमेंट ने बोल रखा है और वहां पे ट्रैक कार्ड चलता है कब से, टिम्स नहीं चलता है। तो जब जाहिर सी बात है वो खुद बोल रहे हैं कि ट्रैक कार्ड पूरे हमारे यहीं पे चलता है, नहीं चलता बाकी जगह पे, और वो बोल रहे हैं कि आपको गाइड की आवश्यकता नहीं है। तो क्लास मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि आप खुले दिल से आए, खुले दिल से आए, वहां घूमें फिरें, अपने साथ सुनहरी यादें लेके जाएं। और मैं आपको इतना भी बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आप ध्यान दें कि ट्रैक कार्ड का सिस्टम बदल रहा है 14 अप्रैल से, तो अगर आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो एंड करना चाहूंगा, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, और जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों, जय हिंद जय भारत।